नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघा सुरोलिया पेश करती हूं अब तक की बड़ी खबरें। पहले खबर महानगर से। रेल ने पंपिंग स्टेशन का काम रोका, भड़क गए मंत्री फिरहाद हकीम। रेल एक एबनॉर्मली 5,57,00,000 টাকা চেয়েছে। আমি নিজে রেলমন্ত্রীকে একটা চিঠি লিখেছিলাম 2000 সালে, যে এটাকে 50% করুন, তার কারণ এখানে আপনাদের এই মেট্রো রেলের প্রায় 300 কোটি টাকা আমরা ছেড়ে দিয়েছি মানুষের সুবিধার জন্য। পাম্পিং স্টেশনটাও কারোর আর্থিক লাভ নয়, মানুষের সুবিধার জন্য, সুতরাং এটা আপনারা ছেড়ে দিন। যখন কাজটা যে ফুল সুইংয়ে চলছে, হঠাৎ আরপিএফকে পাঠিয়ে রেলের অফিসাররা কাজটাকে বন্ধ করে দিয়ে ওখান দিয়ে লেবারদের তাড়িয়ে দিয়ে লালাবাগানের পাম্পিং স্টেশনের কাজটাকে বন্ধ করে দিয়ে, এই যে অ্যাটিচিউড মস্তানদের মতন রেলের, যে টাকা ছাড়ব না, কাজ হলে হবে, এইটার আমরা নিশ্চিতভাবে প্রতিবাদ করছি। 40 লাখ রুপए की धोखाधड़ी के आरोप में विधाननगर उत्तर थाना की पुलिस ने एक अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। उसका नाम दिव्यांशु आचार बताया जा रहा है और वो हावड़ा के श्यामा प्रसाद पाली का रहने वाला है। आरोप है कि उसने सॉल्ट लेक की ग्रोसरी कंपनी के हब के अकाउंट से फेरबदल की है, जिसके बाद कंपनी की ओर से उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 3 साल के बाद कोलकाता मेट्रो के पटरियों पर दौड़ सकती है चीन की डालियन रैक। हम यहाँ बताते चले कि गत 3 साल पहले चीन से डालियन रैक को कोलकाता लाया गया था और यह भी योजना थी कि और 13 डालियन रैक को कोलकाता लाया जाएगा, मगर वो परीक्षण में असफल हो गई थी, जिसके बाद उसे नहीं शुरू किया जा सका। अब उसका फिर से परीक्षण किया जा रहा है। अब बागी हुए भाजपा सांसद अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी के साथ आंदोलन को तैयार। पश्चिम बंगाल बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। अब बीजेपी के बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने राज्य में जूट मिलों की स्थिति को लेकर केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा है और कहा है केंद्र मंत्री ने ही जूट उद्योग को बर्बाद किया है, ऐसे में वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ आकर आंदोलन करने को तैयार है। राज्य में गर्म हवाओं ने ढाया कहर, हावड़ा में एक व्यक्ति की तड़प कर हुई मौत। आग बरसा रही है गर्मी, फिलहाल राहत का कोई चांस नहीं, चलेगी ताप की लहर। कोलकाता में पारा 38.4 डिग्री सेल्सियस, तो जिलों का तापमान 40 के पार हो गया है। वहीं गर्म हवाएं कहर ढा रही हैं और इस बीच हावड़ा में एक व्यक्ति की तड़प कर मौत हो गई। मृत व्यक्ति का नाम वासु मंडल बताया जा रहा है। बताया जाता है कि वो एक टोटो ड्राइवर था। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 2 मई को बारिश होने के आसार हैं। जिलों से जुड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। हथियार सहित गायघाटा में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों में से 2 बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। दरअसल बनगांव अंचल के गायघाटा थाने की पुलिस ने रविवार को थाना मोड़ इलाके से नाका चेकिंग के दौरान 8 अपराधियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। उनमें से 2 बिहार के निवासी हैं, जो कि कवरहट्टी इलाके में किराए पर रह रहे थे। वहीं बाकी 6 भी उत्तर 24 परगना के विभिन्न थानों इलाकों के निवासी बताए गए हैं। कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गर्मी का कहर भी जारी रहेगा। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए नमस्कार।